दिग्रस शहर में हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के मौके पर आयोजित समता पर्व 2024 का शानदार समापन हुआ। इस दौरान न सिर्फ एक से एक बढ़कर कार्यक्रम संपन्न हुए बल्कि 14 अप्रैल को निकली अभिवादन रैली में दलित मुस्लिम एकता के दर्शन भी हुए। दिग्रस शहर में महात्मा ज्योतिबा फुले तथा महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही उत्साह के साथ समता पर्व 2024 का आयोजन किया गया। इस वर्ष समता पर्व की अध्यक्षता की कमान सनत तूप सुंदरे ने सफलतापूर्वक संभाली। पुरानी नगर पालिका के मैदान पर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यहाँ विभिन्न रंगारंग तथा प्रबोधन पर कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें सबसे पहले 11 अप्रैल को भीम गीतों का जलसा कार्यक्रम में प्रकाश बाबू कलमकर सोरा दीदी ताम गाड़गे ने सुरीले भीम गीतों का नजराना पेश किया। वहीं 12 अप्रैल को बुद्ध भीम गीतों के प्रबोधन कार्यक्रम में तूफानातले दीवे फेम गायक अजय देहाड़े ने धमाकेदार गीतों की प्रस्तुति से समा बांधा। इसी कड़ी में 13 अप्रैल को प्रसिद्ध वक्ता विठल कांगने सर का व्याख्यान हुआ, जिसमें उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर उपस्थित दर्शकों का ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा पीड़ित प्रताड़ित शोषित दलित समाज के न्याय और महिलाओं को दिए गए कानूनी अधिकार का उल्लेख करते हुए युवक युवतियों को न सिर्फ मार्गदर्शन किया बल्कि अपने खास अंदाज में उन्होंने मोबाइल व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक और रील्स पर फैल रही फुहड़ता पर व्यंगात्मक ढंग से मौलिक भाष्य किया। उन्हें सुनने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ आई थी। जेव्हा या भारतात काही नव्हतं तेव्हा 2000 पगार होता, सोनं 2000 रुपये किलो होतं, गरीबच सोनंही घेतलं असतं अंबानी टाटा बिर्ला, गरीब पाणी भरायला असते भाऊ कुठं बाबासाहेबाच्या। पण त्यांनी विचार तुमचा आमचा केला आणि तुमचा आमचा विचार केल्यामुळे तुमचं आमचं काहीतरी बरं झालं, नाहीतर विषय वेगळा होता। म्हणजे लक्षात घ्या, कलम 19 तुम्हाला स्वातंत्र्य दिलंय, पण ते स्वातंत्र्य कसं आपल्याला वापरायचं हे आपल्याला कळायला पाहिजे। आपल्या इथं बसलेल्या मुली आहेत, इंस्टाग्रामवर छान नाव टाकतात पा, भीम कन्या। आता उद्या 14 एप्रिल आहे, प्रत्येकीचं गाणं बाबासाहेबावर येणार, आणि परवा दिवशी ठुमक ठुमक वा है ना। म्हणजे त्याच्यानंतर इसरून गेली ती पिचली माझी बांगडी, स्नॅपचॅट हिचा फोटो आहे त्या प्रमाणापेक्षा गोरा केलेला है ना, सो ब्युटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव। याचा दहीचे खलास, गॉगल एकाचा, प्यान दुसऱ्याची, बूट तिसऱ्याचा, याची बनेल बरोबर नाही, अंडर पॅन्ट रस्त्यात वाळू घालू शकत नाही, आणि याचा डायलॉग ऑसम लुक, ऑसम लुक। त्या बुटाचे खालचे सुतळ गायब आहेत भाऊ, आगाव भपारे आणायच्यात नाही, जे आहे ते आपल्याला चलता आलं पाहिजे, पण आपल्याला बाबासाहेब। इसके बाद 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला समिति की ओर से शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक भव्य अभिवादन रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में बौद्ध समाज बंधुओं सहित महिला तथा युवाओं ने हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि इस दौरान निकाली गई डीजे रैली में दलित मुस्लिम एकता का भी दर्शन हुआ। मुस्लिम समाज के युवाओं ने भी इसमें शिरकत करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपना आदर व्यक्त किया। इस डीजे रैली में भीम गीतों और कव्वाली पर दलित मुस्लिम युवा झूमते थिरकते नजर आए। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।